हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप ही के डिमांड पे एक बहुत ही अफोर्डेबल बजट में खूबसूरत घर। इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जयपुर की प्राइम लोकेशन वैशाली वेस्ट यानी कि शेल्बी हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट वॉकिंग डिस्टेंस पर 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट जो कि बहुत ही स्पेशियस रहेगा। साथ ही इसमें आपको हर एक चीज़ लगाकर दी जा रही है। बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी यहाँ से प्रॉपर रहेगी। अगर बात करें जयपुर मॉल की तो मात्र 5 to 10 मिनट के ड्राइव पर ही आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। 200 फीट बाईपास भी बहुत ही क्लोज रहेगा। आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको यहाँ पे स्कूल्स और हॉस्पिटल मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए इस फ्लैट को, तो चलते हैं इसके लॉबी एरिया में। तो दोस्तों, फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफ्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, स्टेयर्स का भी प्रोविज़न आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो लॉबी एरिया में आप देख सकते हैं एक फ्लोर पर आपको 3 फ्लैट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इस बिल्डिंग में दोस्तों टोटल 9 फ्लैट है, जिसमें से अभी हमारे पास 3 फ्लैट्स अवेलेबल हैं और 6 फ्लैट्स में यहाँ पर फैमिली सेटल हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंटर करते ही आपको यहाँ पर मिल रहा है काफ़ी स्पेशियस लिविंग स्पेस। आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। 16x12 के डायमेंशन में रहेगा। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ मिल जाता है आपको। 6 to 7 सीटर सोफ़ा रहेगा। बीच में आ जाती है आपकी सेंटर टेबल। साथ ही में इसका जो साइड वॉल है इसका वर्क आप देख सकते हैं, वॉलपेपर वर्क है और कुछ फ्रेम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन एक बार आप देख लीजिए, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग विथ फैंसी लैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और फैंसी फैन आपको मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा स्पेशियस लिविंग स्पेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड वॉल है इस पर इस तरीके से कुछ मेटल आर्ट वर्क से डेकोरेट किया गया है और एसी के लिए भी आपको यहाँ पर फिटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से आपको मिल जाता है LED पैनल जो कि फुल वुडन वर्क में रहेगा कुछ थीम लाइट के साथ में, और नीचे आपको प्रॉपर स्टोरेज भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हो जाता है हमारा LED स्पेस। और इस फ्लैट की सबसे खास बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3 बेडरूम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बेडरूम आपको मिल जाता है, जिसमें से 2 बेडरूम्स में आपको मिल जाती है प्रॉपर बालकनी और थर्ड बेडरूम में आपको प्रॉपर 2 विंडोज मिल जाती हैं। तो वेंटिलेशन आप देख सकते हैं आपके अपार्टमेंट में फुल्ली वेंटिलेटेड रहेगा। और यहाँ आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। बाहर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका वॉश बेसन एरिया वाइड लुकिंग मिरर के साथ में, और इसके जस्ट पास में हो जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। 5x7 के डायमेंशन में रहेगा, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आपकी सीट हो जाती है, यहाँ पर हो जाता है वॉश बेसन एरिया। साथ ही जो टाइल वर्क है काफ़ी अच्छा टाइल वर्क यहाँ पर किया है। गीजर भी आपको लगाकर दिया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी मॉड्यूलर किचन। तो दोस्तों, लिविंग स्पेस में वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर विंडो मिल जाती है UPVC डोर के साथ में। साथ ही में आपको एंट्रेंस पर भी एक विंडो मिल जाती है जहाँ से इजीली सनलाइट आपके लिविंग स्पेस में आती रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किचन और लिविंग स्पेस के बीच में एक पार्टीशन आपको मिल जाता है, वुडन पार्टीशन रहेगा, और इसमें आपको कुछ स्टोरेज भी दिया गया है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं शेल्फ का डिज़ाइन मिल जाता है, एक बहुत ही प्यारा पार्टीशन रहेगा। और यहाँ से आ जाते हैं हम हमारे किचन की तरफ, तो 6x9 के डायमेंशन में हो जाती है हमारी ओपन किचन। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। एल शेप में हो जाता है आपका काउंटर टॉप, और यहाँ पर आप देखेंगे सेंसर चिमनी आपको यहाँ पर मिल रही है, प्लस वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक UPVC डोर के साथ में विंडो भी मिल जाती है। यहाँ पर हो जाता है हमारा वेट एरिया, जहाँ आपको देख सकते हैं गीजर और RO दोनों की फैसिलिटी आपको मिल रही है। स्टोरेज की बात करेंगे तो प्रॉपर स्टोरेज आपको मिल जाता है, इस तरीके से कैबिनेट आपको मिल जाएंगे और नीचे आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे ड्रॉर्स। तो स्टोरेज भी आपके किचन में प्रॉपर बना रहेगा। फ्रिज के लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सब कुछ यहाँ पर आपको लगाकर दिया जा रहा है। आपको इस घर में आने के बाद एक भी पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि रहेगा 14x10 के डायमेंशन में। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है बेड लगाने के बाद भी। बेड के पीछे का जो वॉल है इसमें फुल वॉल पे वॉलपेपर वर्क किया है टेक्सचर डिज़ाइन में। इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आपको फॉल सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आ जाते हैं हमारी वार्डरोब्स।
ऊपर सीलिंग तक आपको वार्डरोब मिल जाती है, बहुत अच्छा स्टोरेज रहेगा। इसी के पास में आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग स्पेस, वाइड लुकिंग मिरर आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको विंडो मिल रही है, UPVC स्लाइडिंग डोर रहेंगे। और आपको इस रूम में दो विंडोज मिल जाती है, एक विंडो आपको मिल जाती है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में बना रहेगा। और यहाँ पर आ जाता है आपका LED पैनल, फुल वुडन वर्क के साथ रहेगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। AC के लिए भी आपको इसमें फिटिंग दी हुई है। तो आप देख लेते हैं हमारा सेकेंड बेडरूम। ये हो जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम, जो कि रहेगा 12x11 के डायमेंशन में। आप देख ही सकते हैं बहुत ही प्रॉपर डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। बेड के पीछे का वर्क आप देखेंगे, फुल वॉल पे वॉलपेपर वर्क है, कुछ फैंसी लैंप आपको मिल जाते हैं, दोनों साइड मिल जाती है टेबल। यहाँ पर आ जाती है आपकी वार्डरोब, जो कि फुल सीलिंग तक रहेगी। साथ ही में इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसमें जाली का वर्क भी आपको देखने को मिलेगा और वॉलपेपर वर्क भी किया है। इस रूम की सबसे खास बात है इसकी स्पेशियस बालकनी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ से फ्रंट व्यू भी आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं बालकनी में आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया है इसे डेकोरेट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपके रूम में इससे बना रहेगा। तो अभी चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। इसी के बिल्कुल पास में रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। 12x11 के डायमेंशन में हो जाता है हमारा ये बेडरूम भी, आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट स्पेस रहेगा। बेड के पीछे की जो वॉल है फुल वॉल पे वॉलपेपर वर्क है, साथ ही यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ शेल्फ डिज़ाइन दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपका लुकिंग मिरर आ जाता है, ड्रेसिंग स्पेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाती है आपकी वार्डरोब, जो कि स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगी। ऊपर भी आपको एक स्पेस मिल जाता है, और इस रूम में भी आपको मिल जाता है फॉल सीलिंग डिज़ाइन। साथ ही इस रूम में हमें मिल जाता है अटैच वॉशरूम। 5x7 के डायमेंशन में रहेगा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें भी टाइल वर्क कुछ डिफरेंट किया है। साथ ही गीज़र की फैसिलिटी आपको इसमें भी दी जा रही है। यहाँ पर हो जाती है आपकी सीट, और वेंटिलेशन भी इसमें प्रॉपर बना रहेगा। और यहाँ पर भी आपको मिल रही है बालकनी। तो आप देख सकते हैं आपकी जो बालकनी है उसका एक एक्सेस आपको इस रूम से भी मिल जाता है UPVC डोर के साथ में। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों पूरे जयपुर में ऐसी प्राइम लोकेशन पे इस प्राइस में इतना शानदार फ्लैट मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोजेक्ट का HD फोटोज़, फ्लोर प्लान और इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।